नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सांख्यिकी के अंतर्गत को एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड द्वारा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसे लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मैं प्रभात शर्मा इस नव भारतीय स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, पहले हम इसको किस प्रकार से निकालते हैं, इसे निकालने से पहले जान लें कि ये जो को एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये वास्तव में क्या है। ये है क्या चीज, हिंदी में इसे बोलते हैं सह संबंध गुणांक। सह संबंध गुणांक देखिए, दो मान लीजिए दो टीचर्स ने विद्यार्थियों के टेस्ट लिए, एक टीचर तो है गणित के और एक टीचर है विज्ञान के। इन दो टीचर्स ने विद्यार्थियों के टेस्ट लिए, उन विद्यार्थी हैं क्लास के अंदर 15 15 15 स्टूडेंट्स के टेस्ट उन्होंने लिए, 15 के उन्होंने लिया। इनके टेस्ट में अंक आए, इनके टेस्ट में अंक आए। गणित के अध्यापक ने स्ट्रिक्टनेस, क्लास के अंदर बच्चों को नकल नहीं करने दी। विज्ञान के टीचर ने भी क्लास के अंदर बच्चों को नकल नहीं करने दी। एक मान लीजिए कोई और एक टेस्ट हुआ अंग्रेजी का, इसमें अंग्रेजी के अंदर बच्चों ने हल्की फुल्की, ये टीचर किसी काम से चले गए, बच्चों ने यहां पर ये 15 विद्यार्थी थे, इन्होंने हल्की से नकल कर। एक टेस्ट और हुआ हिंदी का, क्योंकि बच्चों की मातृभाषा हिंदी है थोड़ा सा इसका फर्क पड़ेगा, वही 15 बच्चों ने एग्जाम दिया, नकल तो यहां भी नहीं कर पाए थे, यहां भी टीचर लगातार खड़े थे लेकिन उन्होंने टेस्ट दिया। अभी हम सहसंबंध गुणांक निकालते हैं, तो ध्यान देना इनके आंकड़े आप ध्यान देंगे, इसमें जो बच्चों के अंक प्राप्त हुए थे लगभग सभी बच्चों के अंक उतने ही प्राप्त होने वाले हैं विज्ञान में भी। विज्ञान का टेस्ट का कठिनाई ज्यादा होगी तो हो सकता है कम प्राप्त हो, लेकिन जिस बच्चे के कम प्राप्त हुए इसमें इधर भी कमी उसी के कम प्राप्त होंगे। इसमें जिस बच्चे के ज्यादा प्राप्त हुए, 10 में से मान लीजिए उस बच्चे के किसी के 9 आए थे, या थोड़ा कठिन पेपर था, 10 में से उसके 8 7 आते हैं, तो जिसके बच्चे के यहाँ 3 आए थे उसके यहाँ पर 2 आएंगे, उसी अनुपात में यह कम हो जाएंगे। मतलब आनुपातिक रूप से देखा जाए तो विज्ञान के अंक और गणित के अंक लगभग लगभग बराबर होंगे, इनका सह संबंध गुणांक ज्यादा होगा, ये सह संबंध कोरिलेटेड होंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे। अंग्रेजी में क्योंकि अध्यापक चले गए थे तो जिन बच्चों ने नकल कर पाए, अब ये तो है नहीं कि सारे के सारे बच्चे नकल किए होंगे, कुछ बच्चे तो नकल किए होंगे ना, तो जो बच्चे नकल कर पाए उनके अंक हो सकता है अंग्रेजी में ज्यादा आ जाएं। तो आनुपातिक रूप से देखेंगे विज्ञान में गणित में उनके अंक कम होंगे लेकिन इसमें ज्यादा हो गए होंगे, जिसके ज्यादा होंगे उसके और ज्यादा हो गए होंगे। इस प्रकार से इसका कोरिलेशन इसके साथ में उतना अच्छा नहीं आएगा, ये कोरिलेशन इतना अच्छा नहीं आएगा। कोरिलेशन को इस प्रकार से लिखते हैं, है ना, स्पीयरमैन के रो के द्वारा। हिंदी हिंदी चूंकि मातृभाषा है तो हिंदी में प्राप्त होने वाले अंक, क्योंकि प्रत्येक बच्चों की मातृभाषा हिंदी ही है, कुछ बच्चों की मातृभाषा हिंदी नहीं हुई, मान लीजिए कोई तमिल से, तमिलनाडु से या किसी अन्य प्रदेश से आया, उसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो उसके अंक और जिनके मातृभाषा हिंदी है उसके अंक में थोड़ा सा अंतर होगा, और ये कोरिलेट नहीं करेंगे गणित और विज्ञान के अंकों के साथ में। तो मैं समझता हूं कि मैं कुछ आपको बता पाया कि हम कोरिलेशन किस प्रकार से दिखता है, किस प्रकार से बताता है। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों निकालते हैं, तो यही बात है पता लगाने के लिए कि गणित और विज्ञान में कितनी कोरिलेट कर रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि गणित विज्ञान के अंदर दोनों में ही ठीक प्रकार से काम हुआ, अंग्रेजी में नहीं हुआ। और यहाँ हिंदी में इस प्रकार से उनके अंकों ने नहीं बताया बच्चों का स्तर, बच्चों की ज्ञान का स्तर नहीं बता पाया, क्योंकि वो बच्चे पहले से कुछ इस विषय को कुछ जानते थे कुछ नहीं जानते थे। तो जो बच्चों की मातृभाषा हिंदी नहीं थी उनके यदि कम आते हैं हिंदी में अंक, तो ये नहीं कह सकते कि वो बच्चे बुद्धिमान नहीं है, उनकी बुद्धि का ठीक प्रकार से आकलन नहीं हुआ है, यहाँ कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। तो कोरिलेशन का इस प्रकार से भी हम उपयोग करते हैं, कर सकते हैं। आइए हम कैसे निकालते हैं इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये जो स्पीयरमैन का कोरिलेशन गुणांक ज्ञात होगा हमें रो, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये रो +1 और -1 के बीच आता है हमेशा, ये जो रो है हमेशा +1 से छोटा होगा और -1 से हमेशा बड़ा होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, यदि +1 आता है ये पॉजिटिव आता है, +1 क्या आता है, रो यदि +1 के नजदीक है तो हम कह सकते हैं परफेक्ट ये मैच करते हैं, कोरिलेट है, बिल्कुल कोरिलेट है, एक जैसे मार्क्स हैं।
ये परफेक्ट कोरिलेट, परफेक्ट बताता है, परफेक्ट कोरिलेट कोरिलेशन हो रहा है उनमें। यदि ये माइनस आता माइनस वन तो बिल्कुल नहीं कोरिलेट कर रहा, ऐसा बोल सकते हैं। और जीरो आता है, जीरो के आसपास आता है तो हम समहाउ कह सकते हैं कि बीच की बात है। तो ये प्लस और माइनस के आधार पर हम इसका कोरिलेशन कितना है उनके बीच में आपस में सहसंबंध गुणांक कितना है उसके आधार पर उन दोनों आंकड़ों का हम एक दूसरे से कितना कोरिलेट करते हैं बता पाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ क्या है, वो कुछ स्टूडेंट है उनके अंग्रेजी और मैथ्स में आए हुए प्राप्तांक है ये, ठीक है। हम देखते हैं दोनों प्राप्तांकों के बीच में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। सबसे पहले काम हम करते हैं कि ये टेबल है, इसको टेबल को हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो टेबल को कैसे बनाना है ध्यान दीजिए, इसको बनाने के लिए अंग्रेजी के आए हुए मार्क किए हैं, ये अंग्रेजी में गणित में मार्क्स, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, ये दोनों तो प्रश्न में दिए हुए, ये तो दिए हुए हैं ना, गिवन है, ये आपको दिया जाएगा। ये अब रैंक निकालनी है, रैंक कैसे निकालेंगे, देखिए रैंक आप कैसे भी निकाल सकते हैं, सबसे अधिक से चालू कर सकते हैं और सबसे कम से चालू कर सकते हैं। तो यहां सबसे अधिक से चालू किया है हमने, तो 77 अंक जिसके प्राप्त हुए उसको हमने दिया रैंक वन, इस ये 80 अंक जिसके प्राप्त हुए सबसे अधिकतम अंक, यहां भी एक ही है, ये अंग्रेजी के लिए ले रहे हैं हम तो अंग्रेजी के मार्क्स तो पहले हैं। फिर 80 के बाद में नंबर टू पे अंक आते हैं आपके 76, 76 को दो लिखा है, ठीक है। 76 के बाद में आते हैं 75, ये वाले 75 इसको हमने तीन लिखा है, ठीक है, ये दो हुए ये एक हुए। 75 के बाद में आते हैं 71, ये चार लिखा है, इसके बाद में ऊपर 64, 64 पाँच है, फिर 62 नीचे से ऊपर देखो 6 है, फिर 61 सात है, फिर 58 आठ है, और फिर ये 56 नौ है, लास्ट में 45 10 है। तो सबसे अधिकम अधिकतम को हमने एक अंक दिया, तो ये यहाँ लिख दिए, देखो ये लिखे हुए ना, ये रैंक लिखी है। ऐसे प्रकार से मैथ्स की भी हमने रैंक लिख दी, तो सबसे अधिकतम अंक प्राप्त हुए थे 77, उसको एक लिखा, उसके बाद नंबर दो प्राप्त हुए थे 77 के बाद, इसमें तो नंबर दो इसके प्राप्त हुए थे है ना, दो रैंक ही थी है ना, लेकिन यहाँ तो इसके प्राप्त नहीं है, 67 है, 67 से ज्यादा तो 70 है, तो यहाँ दो अंक इसके आएगी दूसरी रैंक, ठीक है। फिर 67 है, इसके बाद तो इसकी तीसरी रैंक आएगी, तो ये तीन लिखती है, तीन है या दो ऐसे है ना, तो रैंक इधर लिख दी। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, इनका अंतर, अंतर बड़ी से छोटी घटानी है आपको, इंग्लिश से मैथ्स नहीं घटानी, बड़ी से छोटी घटानी है। नौ में से चार गए पांच, तीन में से दो गया एक है ना, दस में दस गया जीरो, यहां बड़ी ये है तो उल्टा घटेगा, ये उल्टा है ना, इधर घटेगा, इधर तो यहां से घटाया था, यहां उल्टा, सात में से चार गए तो तीन, तो इनका डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस डी डिफरेंस, बड़े से छोटे घटाना है, तो सारा डिफरेंस लिख दिया। फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे, क्योंकि सूत्र में तो स्क्वायर आता है, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, तो इसका हम स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे, पचम 25, एक एकम एक, जीरो तीन तीन नौ, एक एकम एक चार 16, जीरो 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 का जीरो, एक एकम एक, ठीक है। अब हम इसका सूत्र लगाते हैं, सूत्र आपका है, हाँ इसको जोड़ भी लेते हैं पहले, सिग्मा सिग्मा डी स्क्वायर, इनको जोड़ते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो आएंगे 54, हमने जोड़ा हुआ है देखो यहाँ पे, ये हमने जोड़ा हुआ है 25, 1, 9, 1, 16, 1, 1, ये 54, ठीक है। अब सूत्र इस प्रकार से हम निकालते हैं, सूत्र है आपका ये, रो निकालने के लिए 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ एन क्या है, एन है आपके कुल कितने विद्यार्थी हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस विद्यार्थी हैं, दस आएगा एन की जगह, सूत्र में पुट कर दिया हमने 6 की जगह 6, डी स्क्वायर हमने निकाला 54, 54 लिख दिया, और सिग्मा डी स्क्वायर 54, और इसको हमने सूत्र में लिख दिया, दस दाम 100, 100 में से एक गया तो 99, 99 को 10 से गुणा किया था 990, ऊपर 54 को 6 से गुणा किया 6 24 के 4 हासिल लगी 2 6 5 30 2 32, इस 990 कैसे भाग दिया तो ये आया, और एक में से घटा दिया तो आपके ये आए, एक में से घटाएंगे तो 1.00 और 0.33, ठीक है, तो 7.60। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव आई है आपके, प्लस में आई है ना ये, तो इनमें सहसंबंध था, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इनके अंदर